बस ये तीन आदतें अपने व्यापार के डीएनए में शामिल करें, देखें रिटेलर सारी दुकान छोड़कर आपके पास ही आएगा। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो हर व्यापारी की चिंता और चिंतन दोनों का विषय होता है, सफलता, जो अधिकतर व्यापारियों के दिमाग में आता है कि कैसे अपनी दुकान को आगे बढ़ाएं, कैसे अपने ग्राहकों को आकर्षित करें और दिन दोगुनी रात चौगुनी कैसे बिक्री बढ़ाएं। लेकिन आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ उन व्यापारियों के बारे में बात करेंगे जो होलसेलर हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर हैं। चलिए जानते हैं कि यदि आप एक होलसेलर व्यापारी हैं, तो कैसे रिटेलर्स को आकर्षित करें। एक होलसेलर व्यापारी को अपने व्यापार की सफलता के लिए कौन सी तीन आदतें अपनानी चाहिए। हर सफल व्यापार की कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है, जिसके आधार पर वो दूसरों से अलग होता है। साथ ही उस आइडेंटिटी के माध्यम से वो अपने कॉम्पिटिटर पर भारी पड़ता है। इसके लिए आप अपने व्यापार की कोई ना कोई आइडेंटिटी बनाएं। आप दूसरों से क्यों बेहतर हैं आदि रिसर्च करें कि मार्केट में क्या चल रहा है, किसकी डिमांड है और कितनी डिमांड है। उस डिमांड के अकॉर्डिंग समस्या और समाधान ढूंढें और अपने व्यापार के माध्यम से उसे पूरा करें। व्यापार कोई भी हो सकता है। स्टेप वन, क्वालिटी पर फोकस करें। कोई भी व्यापारी हो, वो अपने बिजनेस के लिए अच्छा करने का सोचता है। ऐसे में यदि आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें क्वालिटी बहुत मायने रखती है, तो आपको अपनी क्वालिटी पर खास ध्यान देना होगा, जिससे आपकी दुकान पर कोई भी रिटेलर आए उसका विश्वास मजबूत हो जाए और उसे जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए वो आप दे सकते हो बिना किसी गड़बड़ के। याद रखें, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। इस फॉर्मूले को फॉलो करके चलेंगे तो आप लंबा खेलेंगे। स्टेप टू, ट्रेड, डिमांड और प्राइस पर ध्यान दें। आपका बिजनेस किसी भी चीज का हो, लेकिन वक्त के साथ साथ हर लाइन में कुछ न कुछ परिवर्तन आता रहता है। आपको इन्हीं परिवर्तन पर नजर बनाए रखनी है। मार्केट में क्या नया ट्रेंड है, उस हिसाब से अपने स्टॉक को जमा करना है। किसकी कितनी डिमांड है, उस डिमांड को ध्यान में रखकर ही स्टॉक को जमा करें, जिससे नुकसान ना हो। याद रखें, रिटेलर कई जगह जाकर आपकी दुकान पर आया होगा, फिर उसे जब आप अपने प्रोडक्ट्स दिखाएंगे और साथ में उनके प्राइस बताएंगे, तो रिटेलर दूसरी जगह से कंपेयर करेगा। जब उसे आपका सामान ठीक लगेगा तभी वो आगे बात बढ़ाएगा। ऐसे में आपको इस चीज का लाभ उठाना है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, डिमांड प्रोडक्ट के आधार पर। अगर आपका प्रोडक्ट एकदम खरा है तो ही आपके द्वारा बताए गए प्राइस पर रिटेलर इंटरेस्ट लेगा, वरना वो कहीं और चला जाएगा। तो आपको अपना व्यापार क्वालिटी, प्राइस और डिमांड पर ही बनाना है। स्टेप थ्री, व्यवहार अच्छा बनाएं। अधिकतर लोगों को देखा गया है कि जब कोई रिटेलर शॉप पर आता है तो दुकानदार इंटरेस्ट ही नहीं लेता। साथ ही जब रिटेलर किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछता है तो दुकानदार उसे रूखे मुंह जवाब देता है। बस यहीं से रिटेलर उस दुकान से मुंह फेर लेता है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत भारी है। ऐसे में यदि आपका व्यवहार रूखा रहा तो आप अपने व्यापार के लिए नुकसान कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। याद रखें, सोच बदलनी है, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। आज का जमाना है स्मार्ट तरीकों से भरोसे का व्यापार करना। इसलिए जब एक रिटेलर आपकी दुकान पर आए तो आप उससे खुलकर बात करें, चाय या पानी का ऑफर दें, उसे ठीक से बैठने के लिए जगह दें, फिर जानें कि वो किस तरह का बिजनेस करता है, उसके व्यापार में आपका क्या योगदान हो सकता है, फिर वो क्यों आप पर भरोसा करें आदि के बारे में पूरी स्पष्टता से बात करें। उसके बाद ही आप रिटेलर को माल दें। इससे आपके व्यापार और उसके व्यापार में एक भरोसे का रिश्ता बन जाएगा, फिर रिटेलर आपको भविष्य में ऑर्डर देता रहेगा। तो दोस्तों, यदि आपने अपने व्यापार में इन तीन आदतों को फॉलो किया तो आपका बिजनेस भारी भरकम मुनाफा बना सकता है और ये सफलता आगे भी बनी रहेगी। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।